ओके हेलो गाइस फ्रॉम चैनल मैसेल वाशिश फ्रॉम मैसेल मैसेल जयपुर। और गाइस अब अपना नेक्स्ट वीडियो डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, ये बाकी मैं हेलो गाइस बोलता ना, मेरा बड़ा मन करता है नाचने वाचने का। ठीक है, बड़ा मैं सुर में बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यार देखो, समझो अपन ने क्या कर लिया और अपन कैसे चल रहे। ग्रेट भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया, एनाटॉमी पढ़ने के लिए एक बार के लिए आपको एक बेसिक स्केलेटन का आइडिया होना चाहिए। तो अपन पूरा स्केलेटन देख लिए, देखना है अपन को। ठीक है, उस स्केलेटन के अंदर, एक एडल्ट स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती है। ठीक है, अभी 206 बोन को अपन ने पूरा का पूरा देखा। ठीक है, मेजरली दो रीजन्स में डिवाइड किया था जिससे अपन इजीली देख सके, क्या, एक एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है ना, एक्सल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपने सारी बोन्स देख ली एक्सल और अपेंडिकुलर की, आप वापस देख सकते हो, अपन ने इतना देख लिया। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल तो अपन ने क्या देख लिया, एक्सल स्केलेटन के अंदर अपन ने ये देखा कि भाई मेजरली तीन पार्ट्स है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्कल। ठीक है, स्कल और सारी फेशियल बोन्स और पूरा स्कल, अपन ने पूरे स्कल की बोन्स देख ली थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन ने देखा था, ये था अपना वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और तीसरा अपना था थोरेसिक केज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी आती है एक्सल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन था उसके अंदर अपन ने देखा पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम की बोन्स, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम की बोन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने मेजर क्लासिफिकेशन किया था। मेरी बात आई समझ में? ग्रेट, तो इस तरीके से अपन ने पूरी की पूरी 206 बोन्स देख ली। पर तुम लोग देख सकते होंगे कि कुछ बोन्स किसी के जैसी दिखती है, कुछ बोन्स किसी के जैसी दिखती है। अगर मैं 206 बोन को एक साथ पूरा इकट्ठा कर लूँ, ठीक है ना, तो आप देखोगे, देखो ये ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ये लंबी लंबी बोन्स है, फ्यूमेरस, फीमर, टीबिया, फिबुला, ये सब एक जैसी सी बोन्स है। ठीक है ना, आप कुछ बोन देखोगे जैसे ये हिप बोन, अजीब सी बोन है, इररेगुलर सी बोन है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये वर्टिब्रा, अजीब सी बोन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सारी बोन को इकट्ठा कर रहा हूँ तो भी मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ बोन को, तो टेकिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अपन ने बेसिक पूरा स्केलेटन देखा, थोड़ा सा और एक लेवल आगे जा रहे हैं और अब अपन ओवरऑल पूरा क्लासीफाई कर रहे बोन्स को। ठीक है ना, ग्रेट। तो क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो अपन ने रीजनल क्लासिफिकेशन देख लिया, एक अपन मेजर क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन अ शेप। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, एग्जाम में ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट इंटरनल में लिख के ले लो। एग्जाम में अंदर फर्स्ट इंटरनल में आपके पांच क्वेश्चन आएंगे, मैं पांचों के पांचों बता दूंगा, देख लेना, आपको खुद को दिखेगा कि यार सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वही आ रही है। ठीक है, ग्रेट। तो देखो, मेजरली अपन चार क्लासिफिकेशन करते, एक रीजनल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, शेप कैसा है, तीसरा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन कि बोन कहाँ से कैसे बनी है, और चौथा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कि अगर मैं बोन को ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ, ये सेक्शन ले रहा हूँ बोन का, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और वो कितनी हार्डनेस है बोन की, वो। ठीक है, चार, रीजनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, तीसरा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन एंड चौथा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें से मेन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन अपन हिस्टोलॉजी में देखते हैं, तो इसमें यहाँ ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, हिस्टोलॉजी में आपका आराम से कवर हो जाएगा, वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ मैं जहाँ बता रहा हूँ वहीं पर पढ़ना, तब जाके तुम ग्रुप बना सकते हो कि अच्छा ये चीज़ को इस तरीके से पढ़ना है, तब जाके आपको ओवरऑल नॉलेज दिमाग में सेट होगी, आपको एक पैटर्न पकड़ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन से। तो रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा कि दो है अपने पास, ठीक, एक एक्सल स्केलेटन, ठीक है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले और देखा था ये चीज़, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक एक्सल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखते हैं बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, शेप सबसे पहले जो लॉन्ग बोन्स होती है, ठीक है, तो पहली कैटेगरी आएगी लॉन्ग बोन्स की, समझे मेरी बात। लॉन्ग बोन्स के अंदर समझना, देखो एक तो होती है लॉन्ग बोन, राइट, तो टिपिकल लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का मतलब जिसके अंदर लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, तो ये टिपिकल लॉन्ग बोन हो गई। ठीक है, तो एक हो गई अपनी टिपिकल लॉन्ग बोन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल है ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, और पैर के अंदर सेम फीमर, टीबिया एंड फिबुला। अब सबसे मजे की बात क्या है पता है, मैं जैसे जैसे बोन का नाम ले रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में इमेज जम रही है। ये स्टाइल से पढ़ोगे ना तब तुम्हें चीज़ें याद होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राधे राधे। ठीक है, देखो एक होगी टिपिकल लॉन्ग बोन, एक होता है शॉर्ट लॉन्ग बोन, इसे अपन कहते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन, है लॉन्ग बोन जैसी बट छोटा वर्जन है। ठीक है, टिपिकल लॉन्ग बोन में एक्चुअली क्या होता है, देखो
जैसे मान लीजिए टिपिकल लॉन्ग बोन है, ठीक है, तो इसकी एक होगी शाफ्ट और दो होंगे हेड, करेक्ट। जो मिनिएचर लॉन्ग बोन होती है, जो उसका छोटा वर्जन है, ठीक है, उसमें शाफ्ट है, हेड है और एक बेस है, दोनों हेड नहीं है, एक बेस है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अपन देखेंगे शॉर्ट लॉन्ग बोन या मिनिएचर लॉन्ग बोन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल मेटाकार्पल, ठीक है। आप देखोगे ये भी दिखती बोन जैसी है, पूरी लॉन्ग बोन जैसी, बट छोटा वर्जन लगता है, मिनी वर्जन है, इसलिए अपन कहते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन, ठीक है। तो ये हो गए मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। आई मेरी बात समझ में? सी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, ये वो लॉन्ग बोन है जो लॉन्ग बोन तो है बट कुछ ना कुछ अलग है इनके अंदर, ठीक है। और जब जब ऐसा कुछ एग्जांपल आता है, हमेशा क्लेविकल सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि क्लेविकल एक, मैंने आपको बताया था, क्लेविकल एक ऐसी बोन है, एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो पूरी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, बाकी सारी लॉन्ग बोन वर्टिकल है, सिर्फ क्लेविकली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो ये इसका क्लेविकल एग्जांपल है। वैसे इसके अंदर मॉडिफाइड की बात करें तो इस क्लेविकल के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं है, इनफैक्ट क्लेविकल के अंदर बहुत एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जब अपन क्लेविकल पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली क्लेविकल पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन ग्रुपिफाई एक ओवरऑल लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद शॉर्ट बोन, अगर आप देखोगे शॉर्ट बोन मतलब यहाँ की बोन्स, ये जो अपन कार्पल्स है, छोटे छोटे टुकड़े पीसीज है, जैसे होता है ना पनीर अपन काटते हैं शाही पनीर के अंदर, छोटे छोटे टुकड़े के टाइप, क्यूबॉइडल शेप के अंदर है, ठीक है। तो इन्हें अपन कहते हैं शॉर्ट बोन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए कार्पल्स एंड टार्सल्स, ठीक है। तीसरा फ्लैट बोन, फ्लैट बोन यानी जो बिल्कुल प्लेट की तरह है ना, प्लेट होती है ना, प्लेट बिल्कुल प्लेट की तरह फ्लैट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपना स्कैपुला, आप पीछे देखोगे टच करके, कभी आप स्कैपुला पकड़ोगे ना डाइसेक्शन हॉल के अंदर, तो आपको समझ आएगा बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे आपको लग रहा होगा कहाँ फ्लैट है, ठीक है, बट ये फ्लैट बोन है, ठीक है, ये पूरी एक फ्लैट बोन है। स्कल की बोन्स फ्लैट बोन है, मेरी बात आ रही है समझ में? ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो स्कल वॉल्ट बोन्स, ठीक है, स्कल वॉल्ट बोन्स, समझ आई मेरी बात? स्कल वॉल्ट बोन्स यानी फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सिपिटल, ठीक है, ये सब फ्लैट बोन्स है। और अब मैं बात करूँ तो ये हो गया स्कैपुला, ठीक है। इनफैक्ट जो आगे की बोन है रिब, ये स्टर्नम, ठीक है, रिब्स, जो आपका रिबकेज है, जो रिब्स है ना, ये भी फ्लैट बोन है। आप कभी रिब्स पकड़ोगे ना, आज मैं बताऊँ ना, आप जब डिसेक्शन हॉल में जाओगे, स्केलेटन देखोगे, बॉडी कट करोगे, डिसेक्ट करोगे, तब आपको पता लगेगा हाँ फ्लैट बोन्स है, ठीक है ना, ग्रेट। इररेगुलर बोन, हिप बोन, ठीक है, अपन ने देखा था काफ़ी कॉम्प्लेक्स बोन दिखती है, तो हिप बोन एक इररेगुलर बोन है। आई मेरी बात समझ में? तो ये वो बोन्स है जो इररेगुलर है, ठीक है। और अगर अपन इररेगुलर बोन की बात करें तो वर्टिब्रा, जो अपन ने वर्टिब्रल कॉलम देखा था, आपने देखा होगा वर्टिब्रा काफ़ी इररेगुलर है, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था स्फिनॉइड, ठीक है, देखा था काफ़ी इररेगुलर है, दो विंग्स निकल रहे थे, इररेगुलर बोन है, ठीक है। अगला न्यूमैटिक बोन, अब समझना क्या होता है भाई। न्यूमैटिक बोन वो बोन है जिनके अंदर एयर साइनसिस है, भाई जिनका वजन कम है। आप देखोगे बोन में बड़ा वजन होता है, आप कभी ह्यूमरस उठाओगे, ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, बोन में बड़ा वजन है, ठीक है। बट स्कल की बोन्स में आप वजन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे वजन दोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं गिर जाएगी, अगर आप थोड़ा सा यूं गिर जाओगे, है ना, समझ गए मेरी बात? तो स्कल की बोन्स में वजन नहीं दे सकते आप, तो इनके अंदर एयर साइनसिस है जो इनको लाइट वेट बनाता है। पहला लाइट वेट मतलब न्यूमैटिक बोन का एक एडवांटेज हो गया कि वो लाइट वेट होगी। दूसरा आवाज़ अच्छी निकालेगा, भाई रेजोनेंस आता है आवाज़ के अंदर, क्वालिटी ऑफ वॉइस इंप्रूव होती है, ठीक है। यही इसका कारण है कि जब जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपने देखा नाक से आवाज़ निकलती है, अलग तरह की आवाज़ आती है, क्यों? क्योंकि वो साइनसाइटिस हो जाता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन, साइनसाइटिस, ठीक है, तो आवाज़ में फ़र्क आता है, ठीक है। तो जो न्यूमैटिक बोन्स है वो आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी करती है, साथ में जो भी हवा अपन लेते हैं, जो भी अपन इंस्पायर करते हैं एयर, वो डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाती, वो साइनसिस से हो करके फिर लंग्स में जाती है। तो ये साइनस कहीं ना कहीं एयर कंडीशनिंग की तरह काम कर रहे हैं, जिससे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, जो बाहर की हवा है वो अंदर की हवा से टेम्परेचर मेंटेन होके जाए तो साइनसिस होके जाती है। तो न्यूमैटिक बोन के फंक्शन है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैक्सिला, ठीक है, जो अपर जो है उसके अंदर बहुत बड़ा साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड, स्फिनॉइड, ठीक है, इन सबके अंदर साइनस है और ये न्यूमैटिक बोन का एग्जाम्पल है, ग्रेट। आई मेरी बात समझ में? मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ना, तुम लोगों को मज़ा आता है ये सब जानने में, हाँ कि इतनी सारी बोन सब। अब एक बार के लिए तो अपन पूरा स्केलेटन देख रहे थे, अब सारी की सारी बोन्स को टेबल पे रख दिया तो अब अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, ये लॉन्ग बोन है, इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, ऐसे धीरे धीरे चीज़ें आपको पकड़ में आएगी। अब आप ये पहचानोगे, फिर आप पहचानोगे ये कौन सी बोन है, किस साइड की बोन है, कैसी इसकी एनाटॉमिकल पोजिशन है, मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड वर्ड का मतलब होता है सीड लाइक, सीड लाइक यानी बीज की तरह,
कंचे, कंचे होते हैं ना, सीड लाइक बोन होती है, ठीक है। तो सेसमॉइड बोन एक्चुअली समझो क्या होता है, ये एक बोनी नोड्यूल है जो कि एक मसल है, मान लो एक मसल के आगे टेंडन होता है, तो वो टेंडन के अंदर बनती है। होता क्या है भाई, मान लो कोई मसल है जिसको दूसरे बोन को खींचना है, ठीक है, तो एक्चुअली अगर वो बोन को डायरेक्टली खींचेगी तो फ्रिक्शन आएगा, तो ये उन टेंडन के अंदर एक गोल सी बोन बन जाती है नोड्यूल के फॉर्म में, ठीक है। इस बोन को अपन कहते हैं सेसमॉइड बोन। अब ये क्या करेगी, ये एक एनाटॉमिकल पुली की तरह काम करेगी। भाई मान लो ये मसल ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से मसल ने खींचा, तो अब क्या होगा, ये यूं होके जाएगा, तो यहाँ से बोन चलेगी। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट से ये एक बोन है, ठीक है, अब इसको दूसरी बोन को खींचना है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी है मसल, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पुली की तरह काम करता है जिससे कि बोन अच्छे से खींची जा सके, ठीक है। तो एक पुली की तरह काम कर रहा है, ग्रेट। ये बात आगे समझ, प्रेशर को कम कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है, साथ में इस रीजन के अंदर प्रोटेक्शन और लोकल सर्कुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सेसमॉइड बोन की एडवांटेज है। बट अगर अपन डिसएडवांटेज की अपन बात करें, ठीक है, तो कुछ कुछ इसके अंदर डिसएडवांटेज है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेसमॉइड बोन के डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो पहला इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है। तो मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, एक्चुअली बोन मैरो होता है, ठीक है, तो मेडुलरी कैविटी होगी तो आरबीसी बनेंगे, तो इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं है तो आरबीसी नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कोई पेरिओस्टियम नहीं है। ये मेडुलरी कैविटी, पेरिओस्टियम क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम बाद, बट क्योंकि ये अपन चीज़ कर रहे हैं तो एक वर्ड सुन लो बस। पेरिओस्टियम नहीं है तो फ्रैक्चर हील नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये जो सिंबल है फ्रैक्चर का होता है, तो फ्रैक्चर हील नहीं हो सकते, ठीक है। साथ में इसमें हेवर्जन सिस्टम भी नहीं है, तो बेसिकली ये इसके डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, इसके एग्जांपल अपन देखिए, तो सबसे फेमस एग्जांपल जो इसका माना जाता है वो है पटेला, जो आप घुटना देखते हो, ठीक है ना, घुटना पटेला, ठीक है। तो ये पटेला एक सेसमॉइड बोन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये नी ज्वाइंट के अंदर बना है और ये एक्चुअली बना है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल पे, ठीक है। मसल का नाम नहीं याद होगा चलेगा, एक बार के लिए सेसमॉइड बोन का नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पिसिफॉर्म, ये बनी अपनी फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस पे, पिसिफॉर्म यहाँ पे बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे एक मसल जा रही है फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, उसके ऊपर बनी है, ठीक है। एक है राइडर्स बोन, ये एक्चुअली घुड़सवारों में दिखती है, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद होगी, है ना, आप लोगों में से हो सकता है भाई हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकती है, तो ये राइडर्स बोन मिलती है एडक्टर लॉन्गस के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो जांग होती है अपनी, ठीक है, यहाँ पे ये बोन आती है, एडक्टर लॉन्गस यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे राइडर्स बोन मिलती है, जब ऐसे उछलते ना तो एडक्टर लॉन्गस मिलती है। हॉर्स राइडिंग, अब प्रोफेशनल हॉर्स राइडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ गलत नहीं समझना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है। एक और एग्जाम्पल है फ्लेबेला, ठीक है, ये फ्लेबेला मिलती है गैस्ट्रोनीमियस के अंदर, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस अपने पीछे की तरफ होती है, घुटने के पीछे गैस्ट्रोनीमियस का जो लेटरल हेड होता है उसके अंदर मिलती है। तो पटेला, पिसिफॉर्म, राइडर्स बोन एंड फ्लेबेला, ये वो बोन्स है, लाइक ये सेसमॉइड बोन्स के एग्जाम्पल है और ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। ओके, तो ये हो गए अपनी सिक्स सेसमॉइड बोन। लास्ट, एक्सेसरी बोन और सुपर न्यूमरी बोन्स, ठीक है। देखो, एक्सेसरी बोन्स क्या होता है, ये वो बोन है जो एक्सेसरी है, मतलब एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है, इसे अपन सुपर न्यूमरी बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्रेजेंट नहीं होती, ये वो एक्चुअली हिस्सा है जो एपिफाइसिस का फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये प्रेजेंट नहीं होती, कभी कभी मिल जाती है, ठीक है, यूजुअली इट्स नॉट प्रेजेंट, है ना। तो ये तरीके से, एक तरीके से क्लासिफाई नहीं है, एक एक्सेप्शनल सा रूल है, ठीक है, ये कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती। इसका एक एग्जांपल है, सबसे पहले तो सर्वाइकल रिप, भाई आपने फर्स्ट रिप तो देखा, कभी कभी एक होता है, एक एक्स्ट्रा रिप यहाँ आ जाती है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया सर्वाइकल रिप। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक फ्रंटल, दो पैराइटल और पीछे एक ऑक्सीपिटल, इस तरीके से बोन होती है। कभी कभी पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में एक और बोन बनती है जिसे अपन कहते हैं सूचरल बोन। इसका दूसरा नाम है वोवेरियन बोन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, देखो ये बोन आपको दिख रही है, ये देखो, ये है अपनी पैराइटल बोन, ठीक है, ओके, और यहाँ पे अपनी है ऑक्सिपिटल बोन, ठीक है ना, और ये आपको दिख रहा होगा ये सूचर, ठीक है, ये भी सूचर के मैंने आपको नाम नहीं बताया, कि जॉइंट्स में मैं बताऊंगा, और साथ में ये पैराइटल बोन के बीच का सूचर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बोन है, ठीक है, यहाँ पे एक बोन है, ठीक है, दिख रही है आपको अलग से, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बोन है, ठीक है, ये है एक्चुअली वोवेरियन बोन या फिर सूचरल बोन, ये जो हिस्सा है ना, ये सूचरल बोन है, ठीक है, ये जनरली प्रेजेंट नहीं होती बट कभी कभी मिल जाती है। आगे मेरे पास, तो रीजनल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लॉन्ग बोन्स,
ठीक है, दूसरा शॉर्ट बोन्स, ठीक है, तीसरा फ्लैट बोन्स, चौथा न्यूमैटिक बोन, सिसमॉइड बोन, है ना, एक रह गया, क्या रह गया, चट्टा, एक एक्सेसरी बोन्स, ठीक है ना, ये सारी अपन ने, बट इरेगुलर बोन अपना रह गया था, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में? अगर सिर्फ अपन हाथ हाथ की बात करें ना तो भी आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हो। देखो क्लेविकल क्या है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, स्कैपुला, फ्लैट बोन, ह्यूमरस, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में भी टिपिकल लॉन्ग बोन, ठीक है, रेडियस अल्ना, टिपिकल लॉन्ग बोन, कार्पल्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, शॉर्ट बोन्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स, मिनिएचर लॉन्ग बोन, फैलिंग्स, ठीक है, टुकड़े हैं ये भी, करेक्ट। ओके, तो ये भी अपने हो गए, ये अपन ने कवर कर लिया, क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया रीजनल क्लासिफिकेशन और अपन ने देख लिया बेस्ड ऑन द शेप, ठीक है, कंप्लीट। अब अपन अगला देख रहे हैं डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये बेसिकली हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, बट आपको एक ओवरव्यू और एक कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन बोन्स, ठीक है, ये वो बोन है जो मेम्ब्रेनस से बनी है, ठीक है, जो ऑसिफाई हुआ है मेम्ब्रेन में। एक्चुअली बोन्स के बनने को प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इज ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे बोन्स बनी, ठीक है, जैसे आपकी बोन्स बन रही है उसे अपन कह रहे हैं, तो बोन्स किससे बन रही है, मेम्ब्रेन से जो बोन्स बनती है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, ठीक है। दूसरा, जो बोन कार्टिलेज से बनती है उसे अपन कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। एक्चुअली ये वो बोन है, देखो पहले क्या होता है, मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, कार्टिलेजिनस बोन्स में कार्टिलेज बन रहा है, वो कार्टिलेज फिर फाइनली बोन बनाता है, समझिए, ये दो स्टेप का प्रोसेस है। मेम्ब्रेनस बोन डायरेक्टली बोन्स बनती है फ्रॉम मेम्ब्रेन, कार्टिलेजिनस बोन्स में पहले कार्टिलेज बनेगा फिर वो कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट होगा। और एक तीसरी कैटेगरी है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है, तो ये वो बोन है जो मेम्ब्रेनस से भी बन रही है और कार्टिलेजिनस से भी बन रही है, तो मिक्स कैटेगरी की बोन है, ठीक है। तो अगर अपन मेम्ब्रेन बोन्स के एग्जांपल देखें तो मेम्ब्रेन बोन्स, क्योंकि आपने देखा बहुत जल्दी से बन रही है, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से बन रही है, तो ये वो बोन है जिनका जल्दी बनना जरूरी है, ठीक है। तो जो अपन स्कल की वॉल्ट की जो बोन्स पढ़ते, ठीक है, वो मेम्ब्रेनस बोन्स है। दूसरा है कार्टिलेजिनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स वो बोन्स है जो एक्चुअली, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आपने देखा ना दो स्टेप का प्रोसेस है, तो इसके एग्जांपल हो गए ह्यूमरस, फीमर, जो थोड़ा सा लेट बने तो भी दिक्कत नहीं है। और तीसरा है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, जो कि मिक्स कैटेगरी की है, कि कुछ हिस्सा ऑसिफाई होगा मेम्ब्रेन से और कुछ हिस्सा ऑसिफाई होगा कार्टिलेज से। तो इसका एग्जांपल है क्लेविकल, क्लेविकल बड़ी एक्सेप्शनल बोन है, ठीक है ना, आपको हर जगह ये एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट मैंडिबल, मैंडिबल भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको तीसरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, दैट इज डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं चौथा क्लासिफिकेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ओके, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब आपने बोन का सेक्शन लिया, ठीक है, ये बोन है, ठीक है, इसका सेक्शन लिया, ठीक है, ये सेक्शन क्या है, ट्रांसवर्स, कोरोनल, सेजाइटल, ये अभी मैं नहीं बता रहा, बस आपने एक सेक्शन लिया, ठीक है, ये वर्ड्स आप भी अपन धीरे धीरे सीखेंगे, मैंने आपको बताया टर्म्स अपन सीख जाएंगे। आपने जब बोन का सेक्शन लिया तो आपको पता चला दो स्ट्रक्चरली दो तरह का बोन है अंदर से, ठीक है, एक जिसे अपन कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा कैंसलस बोन, ठीक है ना। इस कैंसलस बोन, कैंसलस नाम से पता पड़ रहा है, नाम इसका दूसरा नाम है स्पॉन्जी, ये ट्रेबिकुलर, ठीक है, आई मेरी बात समझ में, स्पॉन्जी और ट्रेबिकुलर ये नाम है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन। चलो मैं एक बार यहाँ पे एक बार बोन बनाता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन एक बोन बनाते हैं, ठीक है, ओके, देखो ठीक है, ये जो बोन जो होती है ना, जैसे ये बोन है, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं अपन शाफ्ट, शाफ्ट का दूसरा नाम होता है डायाफाइसिस, ठीक है। अभी आप डायाफाइसिस नाम नहीं भी याद रखोगे चलेगा, शाफ्ट याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गई शाफ्ट, ऊपर है इसके हेड, नीचे है इसके बेस, फॉर एग्जांपल ये दोनों जगह हेड मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन एक लॉन्ग बोन देख रहे हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन, ठीक है। तो ये इसका हेड ऊपर का, ये इसका नीचे का, ठीक है, ग्रेट। ये बोन को जब आप कट कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि जो बोन है, इसकी जो शाफ्ट है, ठीक है, इसके ये जो हिस्सा है, ठीक है,
काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर है ना, बहुत कड़क स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। आई मेरी बात समझ में? ये है कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो ये है अपनी कॉम्पैक्ट बोन, ग्रेट। और जो इसके हेड में स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हेड में स्ट्रक्चर है, वो रॉड्स और प्लेट्स से बना हुआ है, ठीक है, रॉड्स प्लेट्स, ठीक है। तो ये रॉड्स प्लेट्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है अपना कैंसलस बोन। आई मेरी बात समझ में? जैसे अपन स्पॉन्जी बोन भी कह रहे, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कैंसलस बोन। आई मेरी बात समझ में? तो दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक जो शाफ्ट के अंदर है वो है कॉम्पैक्ट बोन, एक जो हेड्स में, हेड्स को कहते हैं एपिफाइसिस। सुन लो, वापस से अपन अलग से मैं बताऊंगा पूरा पार्ट्स ऑफ बोन, ठीक है। तो आप हेड से याद रख सकते हो, हेड में अपना कैंसलस बोन। आई मेरी बात समझ में? आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट बोन काफ़ी हार्ड है और कैंसलस बोन थोड़ा सा सॉफ्ट सा है, टेक्सचर इसका ओपन सा है, ठीक है ना। अंदर रॉड्स प्लेट्स है ना, ये रॉड्स प्लेट्स, इसे रॉड्स प्लेट्स कहते हैं, जो आपको मेशवर्क दिख रहा है ना ट्रेबिक्यूल का, वो रॉड्स और प्लेट्स है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन पे एक्चुअली आप कोई भी बेंडिंग ट्विस्टिंग फोर्स लगा दो, ये कड़क रहेगी, तो ये एक्चुअली एडेप्ट है बेंडिंग और ट्विस्टिंग फोर्स के लिए। और कैंसलस बोन जो है वो एडेप्ट है कंप्रेशन फोर्सेस के लिए, ठीक है ना। तो अगर जैसे इस पे कोई वेट ट्रांसमिशन का फोर्स आएगा, ठीक है, तो ये कंप्रेशन जो फोर्सेज होते हैं उसके लिए एडेप्ट है, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया ये किस किस जगह प्रेजेंट है। अच्छा, और देखो, अब कॉम्पैक्ट बोन को अगर मैं जूम करूँगा, ठीक है ना, अगर इसको अपन जूम करते, ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि एक हेवर्जन सिस्टम है। हेवर्जन सिस्टम क्या होता है, एक जो इसके अंदर एक्चुअली लैमेले, देखो लैमेले क्या होता है, बोन टिश्यू है, बोन टिश्यू एक्चुअली एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो अपना कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर जो अपना बोन टिश्यू है वो सिलेंडर का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसे अपन कहते हैं हेवर्जन सिस्टम, ठीक है। इसका क्या काम है वो सब मैं आपको अभी बता नहीं रहा, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको चीज आएगी, एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये कैंसलस बोन, ठीक है, कैंसलस बोन को अगर मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेगा, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रॉड्स और प्लेट्स, ठीक है। तो मान लो आपका वेट यूं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर बेसिकली रॉड्स और प्लेट्स है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फॉर एग्जाम्पल रॉड्स एंड प्लेट्स, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अगर कैंसलस बोन को अपन देखेंगे तो इसका जो लैमेला है, ठीक है ना, इसके अंदर हेवर्जन सिस्टम नहीं है, लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन है इसके अंदर हेवर्जन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में अगर आप कॉम्पैक्ट बोन को देखोगे तो आपको मिल जाएगा येल्लो बोन मैरो, ठीक है ना, येल्लो बोन मैरो, तो इसके अंदर है अपना येल्लो बोन मैरो, ठीक है, येल्लो बोन मैरो। और जो अपना हेवर्जन सिस्टम है, जो अपना क्या कहते हैं कैंसलस बोन है, इसके अंदर अपना रेड बोन मैरो, ठीक है। तो रेड बोन मैरो तो ऑफकोर्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बनाएगा, और येलो बोन मैरो तो यहाँ पे फैट स्टोर होंगे, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा मैंने डिफरेंस बता दिया, एक बार अपन डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है, आपको वापस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन डेंस स्ट्रक्चर में, ये ओपन टेक्सचर के अंदर है, ठीक है। दूसरा, कॉम्पैक्ट बोन आपने देखा शाफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, और जो अपना कैंसलस बोन है ये हेड में प्रेजेंट है। तीसरा, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो है, और अपना जो कैंसलस बोन है उसके अंदर रेड बोन मैरो है, ठीक है। चौथा, जो अपना कॉम्पैक्ट बोन है वो एडेप्टिव बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस के लिए, ठीक है, और जो अपना कैंसलस बोन है वो एडेप्टिव कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए, वेट ट्रांसमिशन के लिए, है ना, उसके लिए एडेप्टिव, ठीक है। और जो अपना बेंडिंग और ट्विस्टिंग है, क्योंकि वो हार्ड है तो उसको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। साथ में कॉम्पैक्ट बोन है उसका जो लैमेला है वो हेवर्जन सिस्टम को बनाता है, और इसके अंदर इस तरह का कोई हेवर्जन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को पांचों डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। टीचर एक बार में एग्जाम में पूछेगा, झाट 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 सटासट आंसर देना, ठीक है। डायग्राम से चीज़ें याद होती हैं, कहाँ से याद होती है, डायग्राम से। जितना अच्छे से डायग्राम दिमाग में बैठेगा, आप लोग जितना अच्छे से डायग्राम बनाओगे और अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओगे, उतना अच्छे से आपको याद होता जाएगा, ठीक है ना। बहुत सही, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसका सेक्शन लूँगा,
तो मुझे ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज़ें दिखेगी, ठीक है। साथ में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चीज़ें दिखती है, ठीक है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर, जैसे कि ये मैंने जूम किया, यहाँ पे एक्चुअली माइक्रोस्कोप ही लगाया था मैंने, देखा ना आपने, यहाँ पे मैंने एक्चुअली जूम किया था इस चीज़ को कि ये बड़ा होकर के कैसा, इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा, एक तो होती है लैमेलर बोन, ठीक है, साथ में एक होती है वोवन बोन, ठीक है। ये सब नाम है, फाइब्रस बोन, डेंटाइन सीमेंट। अब जैसे डेंटाइन सीमेंट है, ये एक्चुअली आपको दांतों में देखने को मिलेगी, ठीक है। वोवन बोन, फाइब्रस बोन, ये फीटस में देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आप एडल्ट बोन को जूम करोगे तो आपको लैमेलर बोन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लैमेला कॉम्पैक्ट बोन में हाइवर्जन सिस्टम बनाता है। आई मेरी बात समझ में, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, ठीक है। अच्छा, एक लॉ है, ध्यान से सुनना, इस लॉ का नाम है वुल्फ लॉ, ठीक है ना। यहाँ बना देते हैं अपन वुल्फ लॉ, ठीक है। देखो वुल्फ लॉ क्या कहता है, ठीक है, वुल्फ लॉ ये कहता है कि भाई जितना भी बोन पे प्रेशर आएगा उसके अकॉर्डिंग बोन बनेगी। नॉर्मल सी बात है, जितना बोन पे प्रेशर दोगे उसके अकॉर्डिंग वो बोन बनेगी। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई वेट ट्रांसमिशन होता है या कोई भी फोर्स लगता है, ठीक है ना, तो जो देखो मैंने आपको क्या बताया, बोन के टिश्यू को क्या कहते हैं, लेयर ऑफ बोन टिश्यू को कहते हैं लैमेले, ठीक है। तो जब भी बोन पे प्रेशर आएगा, ठीक है, तो लैमेले बनेंगे। तो जो प्रेशर लैमेले होगा, ये हो गया अपना प्रेशर लैमेले, ठीक है ना। तो प्रेशर लैमेले होगा हमेशा हमेशा पैरेलल, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं, जो टेंशन लैमेले होगी, ठीक है ना, टेंशन लैमेले, वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर। तो कुछ बोन टिश्यू जो परपेंडिकुलर हो जाएंगे वो टेंशन लैमेले बनाएंगे, ठीक है। भाई देखो ना यार, वेट ट्रांसमिशन है, तो जो लैमेले वेट ट्रांसमिशन के पैरेलल होंगे, ठीक है, वो होंगे प्रेशर लैमेले, और जो वेट ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर होंगे वो होंगे टेंशन लैमेले। इस तरीके से एक मेशवर्क बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं कैंसलस बोन, ये ट्रेबिकुलर बोन, ये स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और इसके अंदर स्पेसिस जो बचती है उसके अंदर अपना है रेड बोन मैरो, और कॉम्पैक्ट बोन पूरा भरा हुआ है, डेंस है, तो वहाँ पे स्पेसिस नहीं है, तो वहाँ पे अपना येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो मतलब एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर है, करेक्ट। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, अब मेरे साथ साथ बोलूँगे, ठीक है, कुछ भी घर याद करने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। क्लासिफिकेशन के अंदर चार है, एक दो तीन चार। पहला रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, दूसरा बेस्ड ऑन शेप क्लासिफिकेशन, तीसरा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, और चौथा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। आई मेरी बात समझ में, ग्रेट। अब अपन बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन की। रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर दो है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप सेवन है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग बोन, ठीक है, इसके अंदर तीन है, टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनीचर लॉन्ग बोन और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। दूसरा शॉर्ट बोन, इसका एग्जांपल कार्पल टुकड़े, ठीक है। तीसरा फ्लैट बोन, चौथा फ्लैट बोन के एग्जांपल स्कैपुला, ओके, स्टर्नम, रिब्स, एक एक भी एग्जांपल याद होगा तो बहुत है अभी के लिए, ठीक है ना, फ्लैट बोन। फिर है इरेगुलर बोन, एग्जांपल हिप बोन। पांचवा न्यूमेटिक बोन, वजन में कम, एग्जाम्पल मैक्सिला। छठा सिस्मोइड बोन, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो सबसे पहले तो एक तो क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है ना, सेसमर्ड बोन, ठीक है, पटेला, पिसीफॉर्म, राइडर्स बोन। राइडर बोन तो याद रख ही लेना, वैसे इसका अच्छा एग्जांपल पटेला है, बहुत फेमस और बहुत अच्छा एग्जांपल है घुटना, ठीक है। और चौथा फ्लेबेला, ठीक है ना, तो ये हो गया सेसमर्ड बोन। और सातवा एक्सेसरी बोन, जिसमें अपन ने देखा था सूचरल बोन, सर्वाइकल रिब, ठीक है। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, एक या तो मेम्ब्रेनस बने, दूसरा कार्टिलेज से बने, तीसरा मिक्स्ड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर दो है, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन, ठीक है ना, याद है ना, अपने डायग्राम में देख लिया था, ठीक है। ये वैसे होता है अपना मैक्रोस्कोपिकली, एक होता है माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है, जिसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ग्रेट। देखो टीचर, मेनली आप ध्यान रखना, ये तो पक्का पूछ रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, ठीक है। और याद रखना, उसमें भी शेप पे क्लासिफिकेशन पूछना बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन है, ठीक है। उसमें भी सिस्मोइड बोन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जितने भी लिस्ट है ना, ये आपको मेरी एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। साथ में ये जितना भी मैं आपको लिख रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से नोट्स, डायग्राम, सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है, ग्रेट। वहाँ पे जनरल एनाटॉमी ये सब तो अभी
जाके देखो वहाँ पे चैट सेक्शन में पूछो, बोलो मुझे ये इसके नोट्स चाहिए, वो आपको डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी सिस्टम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, शेप पे पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखने ही है, ये तो 100 स्टार क्वेश्चन है, ना पूछे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, ग्रेट, पक्का पूछेगा। बाकी सब चीज़ें ओवरऑल कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, और इसको मेनली अपन हिस्टोलॉजी में देखेंगे, ठीक है ना, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपन ने देख ली, इसको अपन ने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा, जिससे अपन को 206 की 206 बोन याद हो जाए, स्केलेटन को देखो तो कॉन्फिडेंस है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वीडियो लंबी तो नहीं लग रही, मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही, स्पीड कम तो नहीं लग रही, परफेक्ट है, इतना एक्चुअली ज़रूरी है। देखो मेरी बात समझो, मैं चाहूँ तो आपको बहुत शॉर्ट में जल्दी से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो बेसिक्स है ना, जनरल एनाटॉमी बहुत बेसिक है, पूरे साल आपको दिक्कत आएगी अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो, और अगर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे काम करके बेस्ट दे दिया ना, आपको दिक्कत आ जाए ना पूरे साल, तो मुझे कह देना, इंस्टाग्राम पे गालियाँ लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, कैसे पढ़ना है, मैं जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ वो पैटर्न को पकड़ो, ठीक है। हो सकता है एक दो वीडियो में ज़्यादा बता रहा हूँ, एक्सेल स्केलेटन हो सकता है आप लोग की बुक में अच्छे से ना लिखो, पर आप देख रहे हो अपन ने जब एक एक बोन के नाम लिए तो आपको पूरे की पूरी इमेज दिमाग में आई, हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये खास बात है, ग्रेट, ओके। सो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ग्रेट। अब देखो एक बार वापस ओरिएंटेशन ले लेते तो आपको समझ में आ जाएगा अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर नेक्स्ट वीडियो में ओरिएंटेशन देते ना, नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में ओरिएंटेशन देंगे कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या और क्यों है, ठीक है। नहीं थोड़ा सा ओरिएंटेशन यहाँ दे देता तो आपको क्या मज़ा आएगा, ठीक है भाई। मुझे पूरी एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी के अंदर मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल सब कुछ है, ये सारे चीज़ें स्केलेटन पे लगे हुए, तो स्केलेटन को पढ़ना मेरी प्राइमरी गोल है। तो मैंने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा और 206 की बोन का ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। फिर ये सारी बोन जब इकट्ठी हुई है तो मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बोन को उठाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने लॉन्ग बोन को उठाया, ठीक है। अब ये लॉन्ग बोन को अपन स्टडी करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है और इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। इस तरीके से स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। दो टॉपिक और आएंगे, एक स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, दूसरा ब्लड सप्लाई। समझ में आ रहा है कैसे कैसे अपन आगे बढ़ रहे, ये समझ आना ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिंदास लिखो, जो लिखना लिखो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो जो ठीक लगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।